नमस्कार दोस्तों, गीता में साफ साफ लिखा है कि अगर अपने पराए लगने लगे और गैर अपने लगने लगे तो विनाश निश्चित है। ऐसा ही हमारे पड़ोसी देश बोले तो बांग्लादेश का है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये आपके लिए एक दो सेकेंड काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो ना केवल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ा है बल्कि इसमें अमेरिका की राजनीति का भी बड़ा असर है। हाल ही में बांग्लादेश के रवैये में अचानक नरमी आ गई है। ये वही बांग्लादेश है जो कुछ दिन पहले तक भारत पर तंज कस रहा था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के तेवर बदल गए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अमेरिका में सियासी हलचल आपको याद होगा जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार की मदद की थी और उन्हें सत्ता में लाने का प्रयास किया था, पर अब ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन की सरकार खुद सत्ता से बाहर हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए हैं, बांग्लादेश की अमेरिका से जो उम्मीदें थीं वो भी खत्म हो गई हैं। हाल ही में ट्रंप ने एक रैली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का सख्त विरोध किया, जबकि जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी थी। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ अमेरिका की सत्ता में बदलाव ही बांग्लादेश के रुख में इस बदलाव का कारण है। दरअसल इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है, बांग्लादेश का बिजली संकट। बांग्लादेश में बिजली की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब वह भारत से बिजली आपूर्ति की गुहार लगा रहा है और इसके लिए एडवांस पेमेंट करने के लिए भी तैयार है। यह वही बांग्लादेश है जिसने हाल ही में अडानी और भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत बांग्लादेश के बीच हुई बिजली डील में भारत को अधिक फायदा मिल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का यह बदला हुआ रुख सिर्फ उसकी जरूरतों के चलते हैं या इसके पीछे कुछ और भी है। दोस्तों जब हम बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे बिजली संकट को देखते हैं तो कई पहलू सामने आते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को आपूर्ति की गई बिजली के भुगतान पर अपनी चिंता जताई है। बांग्लादेश पर करीब $846 मिलियन का बकाया है, लेकिन इसके बावजूद भुगतान की बजाय बांग्लादेश की ओर से भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने साफ कर दिया है कि अगर 7 नवंबर यानी आज भुगतान नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति रोक दी जाएगी। बांग्लादेश की रिव्यू कमेटी जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में गठित की गई थी, वो अडानी ग्रुप और भारत पर यह आरोप लगाया कि शेख हसीना के समय में हुई डील्स में भ्रष्टाचार हुआ और यह डील्स बांग्लादेश के हित में नहीं थी। विशेष रूप से 2017 में हुई बिजली सप्लाई डील पर सवाल उठाए गए हैं जिसमें बांग्लादेश का कहना है कि यह एक तरफा थी और इससे केवल भारत और अडानी ग्रुप को फायदा हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस डील को भारत के पक्ष में बताया जा रहा है तो क्या यह वाकई एक तरफा लाभ का मामला है? अडानी ग्रुप का तर्क है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कोयला मूल्य सूचकांक के अनुसार चार्ज लगाया है जो पूरी तरह से मान्य और सही है। इसके अलावा बांग्लादेश ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप उन पर दबाव डाल रहा है और बिजली सप्लाई में कटौती की धमकी दे रहा है। इसी बीच एक और रोचक पहलू सामने आता है कि बांग्लादेश की तरफ से त्रिपुरा राज्य से बिजली की सप्लाई बढ़ाने की मांग, हाल ही में बांग्लादेश ने त्रिपुरा से 50 मेगावाट की जगह 250 मेगावाट से भी अधिक बिजली की मांग की है। बांग्लादेश में बिजली की कमी इतनी गहरी हो चुकी है कि वहां के ग्रामीण इलाकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की यह मांग उसकी तत्काल जरूरतों का नतीजा है या इसके पीछे कहीं और का दबाव भी है? जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या यह बदलते हालात में बांग्लादेश का नया रुख है? यहां सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की यह मांग उसकी तत्काल जरूरतों का नतीजा है या इसके पीछे कहीं और का दबाव भी है? तो क्या यह बदलते हालात में बांग्लादेश का नया रुख है या यह महज समय की मांग है? दोस्तों बांग्लादेश की स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। मौजूदा हालात ये हो गए हैं कि 12-12 और 14-14 घंटे तक कई इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है। बांग्लादेश के कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो पहले 7,100 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करते थे, अब केवल 3,100 से 3,200 मेगावाट ही उत्पादन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आधे से भी कम उत्पादन हो रहा है, जिससे बांग्लादेश की स्थिति और भी विकट होती जा रही है। देश में बिजली की कमी की वजह से
जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले। अब तक बांग्लादेश में करीब 40 से 50 पावर प्लांट्स शटडाउन हो चुके हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश ने भारत के त्रिपुरा राज्य से बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश शायद यह भूल गया है कि जिस भारत सरकार और अडानी कंपनी को वह कुछ दिन पहले तक आरोपित कर रहा था, वही अब उसकी मदद के एकमात्र विकल्प हैं। यह वही बांग्लादेश है जिसने हाल ही में भारत बांग्लादेश बिजली डील पर सवाल उठाए थे और अडानी ग्रुप पर बिजली की ऊंची कीमतें थोपने का आरोप लगाया था। इस समय के हालातों में भारत से बांग्लादेश को कोई विशेष राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की ओर से 7 नवंबर की डेडलाइन भी समाप्त आज हो जाएगी। अगर बांग्लादेश ने इस तारीख तक बकाया भुगतान नहीं किया तो अडानी ग्रुप द्वारा की जा रही बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो सकती है, जिससे बांग्लादेश की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश ने समय रहते अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए होते तो शायद आज ये हालत ना होती। क्या बांग्लादेश का भारत पर आरोप लगाना और उसके साथ तनावपूर्ण रिश्ते रखना एक बड़ी भूल थी? इसके बजाय यदि बांग्लादेश ने भारत के साथ सहयोग और समझ का रुख अपनाया होता तो शायद वह इस बिजली संकट से बच सकता था। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की इस स्थिति देखते हुए आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री खाटू श्याम जी।